देख भाई, रोज किसी और के पैसे से पीना अच्छी बात नहीं होती। तो ठीक है, हम भी किसी की शादी करवाएंगे और पैसे कमाएंगे। जैसी जैसी क्या हो गया तुम्हें? अब कुछ भी नहीं हो सकता कार्तिक, मैं जा रही हूँ, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। जैसी जस्ट वेट, सोचो दुनिया में इतनी सारी लड़कियाँ हैं, मैंने तुमसे ही प्यार क्यों किया? अरे ये मुझे क्या पता, तुम बताओ दुनिया में इतने सारे लड़के हैं तो फिर मैं तुम्हारा वेट क्यों करूं? आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ। जैसी जैसी रुक जाओ, देख भाई इसे लव प्रॉब्लम है, हमें मदद करनी चाहिए। तो चल। हेलो हेलो हेलो, अरे क्या प्रॉब्लम है? उसका बाप मेरे लिए प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या कहा? शादी के लिए तैयार नहीं है। और ये मैडम जी, पहले तो मान गई थी और अब ना बोल रही है, पहले मेरे साथ भागने को तैयार थी, अब बोलती है लेट हो गया। अरे तुम हमें सिर्फ 5,000 रुपए दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 5,000 में काम हो जाएगा? अरे 5 मिनट में हो जाएगा, मुझे उसके बाप के घर चलो। चलो आजा। ए भाई तूने शायद यही घर बोला था। 7 by G है या C है, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर कोई लड़की किसी लड़के को बीच राह में छोड़ देती है तो यही नंबर होता है, पूरे शहर में फेमस है। बिल्कुल सही कह रहे हो, आई लव यू। एक कार्तिक, कार्तिक उसके बाप का नाम क्या है? सुधाकर। सुधाकर हाँ, सुधाकर सुधाकर सुधाकर। ए तुम लोग सब यहीं रुकना हाँ, मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं उन्हें मनाऊंगा, जरूरत हुई तो हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन कोई आएगा नहीं बीच में हाँ, कोई बीच में नहीं। ए चला ना कौन है? ए मैं कह रहा हूँ ना, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ए कोई बीच में नहीं आएगा, बात ए कोई बीच में नहीं आएगा। सुधाकर सुधाकर आई एम बैक। मुझे बता रही थी कि वो टेढ़ा है, मुझे क्रिकेट नहीं आती है। ए राजा, क्रिकेट में ना पहले बॉल से और फिर बैट से खेलते हैं। अरे मैं वैसा नहीं हूँ भाई। क्या फर्क पड़ता है? बाप भाई नहीं है क्या? बाप भाई क्यों चाहिए? मैं हूँ ना। अरे सुधाकर ये सब तेरी वजह से हुआ। सुधाकर सुधाकर भाई ये नहीं, वो वाला नंबर फेमस था, गलती हो गई। बताएगा आखिर अंदर हुआ क्या है? उसने मेरी जवानी को निचोड़ के रख दिया, उसने मुझे कई भूत दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जरा खुल के बताना क्या हुआ। कहानी शुरू होती है जब हम यहाँ आए थे और दरवाजा खटखटाया था। सुधाकर 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 रुकना, पहले मैं लात मारूंगा यार, रुकना। अच्छा सुन, बहुत दिन हो गए, पीने का मन कर रहा है, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। अच्छा, भैया ओ तेरी तू। भैया भैया मेरा लव मैटर सॉल्व कर दो भैया, पैसे का टेंशन मत लो, 1,00,000 रुपए दूंगा। 1,00,000 रुपए? कंट्रोल कंट्रोल मेरे भाई। तुझे पीने का मन था 1,00,000 रुपए मिलेंगे, सोचना। इस बार उसके बाप को तो छोड़, मैं तेरे लिए उस लड़की को उठा कर ले आऊंगा। आई न्यू इट। थैंक्स भैया, थैंक्स भैया। अरे सुन, जल्दी से जय को फोन लगाओ, बोल यहाँ आए। जयको इस टाइम पे वो मैडम कहाँ पे होंगी? टेरिस पर गाना गा रही होगी भैया। तो देख म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है, मैं उसे उठा कर लाता हूँ, तू यहीं रुक। जरा बटन तो दबा। तेरे प्यार की दीवानी हो गई हूँ मैं। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? इतना कि तुम्हारी सांसों में खो जाने का मन करता है। वाह। बाप रे बाप रे बाप, तुम तो कोई मामूली लड़की नहीं लगती हो, तुमने तो जो कल रात मैंने चढ़ाई थी वो भी उतार दी है। तुम्हें किक मारने के लिए मुझे पहले खुद को किक मारनी पड़ेगी। एक बंदा नीचे खड़ा है जो तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करता है, सोच रहा है कि तुम यहाँ म्यूजिक सुन रही हो और उसे याद कर रही हो, लेकिन तुम तो यहाँ किसी और के साथ रासलीला खेल रही हो। चुपचाप निकल। तो मुझे धमका रही है, आज तूने उसको धोखा दिया और इसकी बाहों में, और कल तू किसी और की बाहों में जाएगी और परसों किसी और की बाहों में। मैं तेरे बाप से तेरी कंप्लेंट करूंगा और कल तक ये सनसनीखेज खबर होगी। मेरे साथ चल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसका तो मैं पर्दाफाश करके रहूंगा। तू चल मेरे साथ, प्लीज मेरी बात तो सुनो भाई, चल। अरे मेरे भाई तुम जिम जाते हो क्या? अभी तो भैया सुन भाई, वो तेरे लिए फिट नहीं है, वो इसी के लिए फिट है। ये क्या भैया,
तुम मेरी साइड छोड़कर उसकी तरफदारी कर रहे हो? तुम नहीं जानते, इसमें बहुत दम है। टेरिस से यहाँ तक इसने मुझे सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। अब तू भी समझ जा मेरे भाई। ये सब मैं नहीं जानता भैया, तुम उसे कैसे भी समझाओ मुझे वो चाहिए, तुम उल्टा मुझे ही कन्विंस कर रहे हो। एक काम कर, तू जरा अंदर जा, बात कर लेना। अरे भाई तू आराम से, मैंने तो पी रखी थी, मुझे ज्यादा पता नहीं चला इसका सोच क्या होगा। अंदर आखिर हुआ क्या था? डिस्कशन था बिना शब्दों के। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? अड्डा के अलावा हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तू वीडियो शूट करेगा और मैं साला बनूंगा, लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल ले चल मेरे भाई। ओके, वहाँ का बिल तू भरेगा और ऑटो तू लेके आएगा। मेरे बाप का ऑटो रिक्शा है ना, मुझे पता ही नहीं था भाई। भाई भाई मेरी बात सुनिए भाई, कुछ जरूरी बात है, सुनिए ना भाई। भाई भाई मेरी बात सुनिए। आप में अकल नहीं है क्या भाई? अपने प्यार को सिक्योर करने के बजाय यहाँ सारे हम नाच रहे हो, मस्ती कर रहे हो। प्यार को सिक्योर ही तो कर रहा हूँ, इसलिए तो फिल्म देखने गया था। बहुत बढ़िया, बड़ी वाली के साथ भी सिनेमा देखने गए थे, उस समय भी आप इस तरह ही चेला चेला के जवानी ऐसे डांस कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? सिनेमा खत्म हुआ, वो भाग गई। इस बार ऐसा कुछ ना हो इसीलिए इस बार। ये क्या है? मैडम की कॉल हिस्ट्री। इसका मैं क्या करूं? इसमें सबसे ज्यादा कॉल आया उस नंबर पर हम फोन करेंगे, अगर बॉयफ्रेंड का शक हुआ उसके खबर लेंगे। आई कहाँ गए? हाँ भाई, हाँ भाई, सुपर आइडिया। इतनी तारीफ मत कीजिए, शर्म आती है। भाई, 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 मेरी बात सुनिए, इन नंबर्स पर फोन करते हैं, चलिए मेरे साथ, ये लो भाई। हाँ? एक नंबर है जिस पर रोज 3-4 बार फोन किया है। ऐसा है? हाँ भाई, फोन लगाओ उसे। हेलो। हेलो। अरे काहे का हेलो, तू कोई भाई है क्या कि भारी आवाज में हेलो बोल रहा है? क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रिया मैडम को रोज फोन करने की? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? अगर दोबारा उन्हें फोन किया ना तो तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। कौन है रे तू जो मुझे अपनी बेटी को फोन करने पे वार्निंग दे रहा है? कौन था? आपके ससुर शंकर पटेल। भाई भाई माफ कर दीजिए, तू मेरी हेल्प कर रहा है कि बैंड बजा रहा है? गलती हो गई भाई, आपका फोन आया। हेलो। सुनो देवा, मुझे किसी ने फोन करके वार्निंग दी है, उसका नंबर मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ, 2 दिन के अंदर वो मुझे मेरे सामने चाहिए। ठीक है अंकल। भैया 2 दिन में पता करके उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, वरना तू गया काम से, तुझे ही खड़ा कर दूंगा ससुर जी के सामने। भैया 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 आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। अरे मैं हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ। काम पर रख जा। इतनी सारी बोतल एक आदमी के लिए? हाँ बॉस, इस शहर में अकेला हूँ, ना ही मेरे पास कोई कंपनी है और ना ही कोई फ्रेंड। अरे दोस्त ऐसा क्यों कहते हो, हम है ना आप लोग भाई। कंपनी देंगे। अरे क्यों नहीं बॉस, चलो मेरे फ्लैट में चलते हैं। यार थोड़ा संभाल के रखना। तुम लोग रिलैक्स करो, मैं टचअप करके आता हूँ। टचअप मतलब क्या? अरे फ्रेश होने गया होगा, गलती से टचअप बोल दिया होगा। नौजवानों के लिए एक अहम सूचना, आजकल मासूम नौजवानों को एक गे ग्रुप परेशान कर रहा है, इसलिए शहर के कमिश्नर ने नौजवानों को सावधान रहने के लिए कहा है। अरे एक गे किसको ट्रैप कर सकता है? पता है कोई इसके जैसा बेवड़ा ही रहा होगा जो उसके ट्रैप में आ गया होगा। लगता है कोई आइटम है घर में। ये तो वही है यार, इसकी नियत ठीक नहीं लगती। वाह, अब क्या करेंगे? खड़े क्यों हो गए, रिस्पेक्ट दे रहे हो? अरे इसने पहचान लिया तुम्हारी बैंड बजा दी गई। हाय गाइस, कम ऑन फ्रेंड्स। इतने सारे उस दिन भाग गए थे ना, उस दिन मुझे बहुत कुछ करना था लेकिन कर नहीं पाई, अकेली थी ना, लेकिन आज पूरा गैंग है। Come on guys. बात करें क्या उसे? वो बात नहीं करेंगे। वो जल्दी बता क्या करें? अटैक। अरे नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम लोग कमर में क्या कर रहे हो? बाहर हमें कोई इज्जत से जीने नहीं देता ना। अरे करंट क्यों नहीं है घर में? इन्वर्टर जो है वैसे यहाँ करंट की जरूरत क्या है? मुझ में है करंट, पूरा मेरा बॉडी हिल रहा है। चल जा यहाँ से। हाय, दूर हट मुझसे, हट। मैं बस अभी आई डाल ली। ए! इससे मुझे मारना। कहाँ मारूं? अभी बताती हूँ।
थोड़ा जोर से मारना, थोड़ा और जोर अच्छा? से। ये ले। कितनी हॉट बैग है तुम्हारी राजा, पास आ जा राजा। पिंक पिंक पिंकी पिंकी पोंकी, तेरा बाप एक डोंकी। तू चाहे तो मेरा मैचिंग शर्ट ले ले, और क्या? लेकिन मैच मत खेल, मैं आउट हो जाऊंगा। अच्छा आउट हो जाएगा? ए तेरे फ्रेंड को पहली बार बताया था मैच कैसे खेलते हैं, और अब तेरी बारी है। ओके समझ गया ना, मुझे अपने पैरों की दासी बना ले। पास आओ ना, आ जाओ, आ जाओ ना, नहीं आना मुझे। लिपस्टिक लगा लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है लगा लो। अरे ये क्या कर रहा है? लिपस्टिक ही तो लगा रहा हूँ अपने होठों से। नहीं नहीं, अच्छा वो लग चलेगी, वो हमें ढूंढनी चाहिए। लेकिन क्या? अरे नहीं, बाल बच गए। इससे पहले कि वापस आते भाग लो। किसका इंतजार है? चलो भागो यहाँ से।